हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपोजिशन स्कीम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि किस प्रकार से टैक्सेबल टर्नओवर की गणना की जाती है और टैक्स की गणना की जाती है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को लेने से पहले जो पहले के पीडीएफ मैंने थ्योरी में आपको डाले थे उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। हमने देखा था कि कंपोजिशन स्कीम जो है वो जिसके अंतर्गत एक व्यापारी यदि 1.5 करोड़ रुपए तक का उसका टर्नओवर रहता है तो वो इस स्कीम को अपना सकता है। कुछ ऐसे जो है वो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स दे रखे थे जहाँ पर इस सीमा को 75 लाख तक दिया गया है, तब वो इस कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आ सकता है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर आने के लिए हमने देखा था कि टर्नओवर कौन कौन से इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। उसके अंदर देखा था कि हमने सभी प्रकार के माल जो कि चाहे वो इंटरस्टेट है, चाहे वो निर्यात के किए जा रहे हैं, चाहे वो जीरो रेटेड हैं, हम सबको शामिल करेंगे। लेकिन जो रिवर्स टैक्स चार्जेबल वाले हमारा गुड्स है उसको हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। प्रश्न जो है हमारा इस प्रकार से है, बी लिमिटेड कोटा में व्यापार करने वाली इकाई है, वित्त वर्ष 2018-19 में विपरीत कर वाली आवक पूर्ति को सम्मिलित करते हुए पूर्ति का मूल्य निम्न प्रकार से हमें दे रखा है। इन्फॉर्मेशन जो मैं हमें दे रखी है उसमें दे रखा है पार्टिकुलर्स के अंदर, इंटर स्टेट सप्लाइज मेड अंडर फॉरवर्ड चार्जेस 70 लैक्स, इंट्रा स्टेट सप्लाइज मेड विच आर चार्जेबल टू GST एट नील रेट 40 लैक्स, जीरो रेटेड सप्लाई 10 लैक्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई विच आर होली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट 2017 30 लैक्स, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स पेबल अंडर रिवर्स रेट एट द रेट ऑफ 5% 2 लैक्स। इस प्रकार से ये टर्नओवर के लिए हमें इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। 5 टाइप्स के हमें टर्नओवर दे रखे हैं जिसको आधार से हमें जो है वो इसके अंदर टर्नओवर की गणना करनी है। अदर इंफॉर्मेशन में हमें कहा गया है, संक्षेप में बताइएगा क्या बी लिमिटेड वित्त वर्ष 2019-20 में कंपोजिशन स्कीम में आने के योग्य अथवा नहीं, कर की गणना भी करें। आपके उत्तर में क्या अंतर होगा यदि बी लिमिटेड एक होटल है या एक निर्माता है। थर्ड, यह व्यापारी राजस्थान का न होकर उत्तराखंड का होता तो क्या होता। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन को देखने से पहले देखिएगा हमें इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले क्या निकालना है, एग्रीगेट टर्नओवर की गणना करनी है। एग्रीगेट टर्नओवर की गणना करने के लिए ये व्यापारी कोटा का है, कोटा राजस्थान में है, जहाँ पर इस कंपोजिशन स्कीम में अंतर्गत आने के लिए व्यापारी का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का ही होना चाहिए। तो हम पहले इसका टर्नओवर की गणना करेंगे, वो इस प्रकार से देखिएगा नीचे, सप्लाईज एंड मेड अंडर फॉरवर्ड चार्जेस 70 लैक्स ही ले लेंगे, सप्लाई मेड विच आर चार्जेबल टू GST एट नील रेट 40 लैक्स की लिया जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाईज 10 लैक्स का लिया जाएगा, सप्लाईज विच आर होली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11 CGST एक्ट 2017 30 लैक्स का लिया जाएगा। और फिफ्थ हमें जो दे रखा है इसके अंदर वो वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्जेबल मैकेनिज्म जिसे हम RCM बोलते हैं, स्पेसिफाई ये एक्सक्लूड है हमारा, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो रिवर्स चार्जेबल टैक्स का जो है हमारा उसके हमें शामिल नहीं करना, और जितना भी हमारा टर्नओवर है वो हम इसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर की गणना करते समय हम इसको शामिल करेंगे। इस प्रकार से इस टर्नओवर का हम टोटल देखते हैं तो ये टोटल आ रहा हमारा 1.5 करोड़ रुपये। चूँकि ये 1.5 करोड़ का टर्नओवर से अधिक नहीं है, अतः यह व्यापारी 2019-20 में कंपोजिशन स्कीम में आने के योग्य है। तो चूंकि ये व्यापारी कहाँ का है, कोटा का है, कोटा राजस्थान में है, जहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए व्यापारी की टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है तो वह व्यापारी इस कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ जाएगा। तो पहला हुआ आंसर हमारा कि हाँ, ये व्यापारी कंपोजिशन स्कीम के अंदर आने के योग्य है। अब इसके बाद देखिएगा हमें निकालना है इसके अंदर जो है टैक्स की गणना करनी है, कंपटीशन ऑफ CGST अंडर द केस ऑफ ट्रेडर, यदि यह व्यापारी है और उस दशा के अंदर हमें इसकी टैक्स की गणना करनी है। अब देखिएगा स्टूडेंट, हम टैक्स केवल उसी माल पे लगाएंगे
जो कि कर लगता है, जो जीरो रेटेड है या जो एग्जम्प्टेड है उनके ऊपर हम टैक्स की गणना नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें देखना है कि जो व्यापारी है, व्यापारी के लिए टैक्स जो है हमारा वो 5% CGST है और 0.5% ही हमारा SGST है। चूँकि इसके अंदर जो प्रश्न के अंदर हमें दिया गया है वो ऊपर टर्नओवर देखिएगा, इसके अंदर जो हमारी पहला टर्नओवर है सप्लाईज मेड अंडर फॉरवर्ड चार्जेस 70 लाख, वही केवल हमारा टर्नओवर टैक्सेबल है, बाकी सप्लाई विच आर चार्जेबल टू GST एट नील रेट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जीरो रेटेड सप्लाई उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, और जो अंडर सेक्शन 11 है उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तीनों तो हमारे टैक्स लगेंगे ही नहीं, केवल किस पे लगाना है अपने को, 70 लाख वाले के ऊपर हमें टैक्स को लगाना। तो हम टैक्स की गणना किस प्रकार से करेंगे, CGST, SGST और टोटल, CGST भी 0.5%, SGST भी 0.5% और टोटल लग जाएगा हमारा। तो 70 लाख का जो है हमारा टर्नओवर है जो टैक्सेबल है हमारा, 5% से हम इसके ऊपर लगा देंगे, 0.5% से हम इसके ऊपर लगाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 35,000 CGST लगेगा और 35,000 ही हमारा SGST लगेगा, टोटल ये 70,000 हो जाएगा। टैक्स ऑन RRCM ये हमें दे रखा है इसके अंदर कि 2 लाख का हमारा टर्नओवर है जिसके ऊपर RCM जो हमारा 2.5% है, हम 2.5% से जो है इसके अंदर लगा देंगे, 5% का आधा आधा कर देंगे पर 2.5%, तो 2.5% CGST और 2.5% ही SGST लग जाएगा। 2 लाख के ऊपर हम इसको लगाएंगे तो 5,000 टोटल 10,000 जो है हमारा ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो टैक्स लग रहा है वो CGST के अंदर 40,000, SGST के अंदर भी 40,000 और टोटल जो है वो 80,000 हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन हमें दे रखा है कि यदि यह व्यापारी होटल निर्माता हो, और यदि यह व्यापारी क्या हो जो है वो होटल हो या निर्माता हो, तो हम कुल आवर्त की गणना कैसे करेंगे और किस प्रकार से हम टैक्स की गणना करेंगे। स्टूडेंट्स, कुल आवर्त की गणना जो ऊपर हमने देखी है 1.5 करोड़ रुपये, हमारा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, हम आवर्त के अंदर उसी प्रकार से निकाल लेंगे, हमारी आवर्त जो है वो 1.5 करोड़ रुपये ही रहेगी जो हमने पहली कंडीशन के अंदर देखी। अब रही टैक्स की गणना करने के लिए, टैक्स की गणना करने के लिए यदि व्यापारी जो है वो क्या है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर है तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर टैक्स लगाना 0.5% से हमें टैक्स लगाना है और पूरे इसके ऊपर लगेगा। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के ऊपर पूरा जो हमारा टर्नओवर है उस पूरे टर्नओवर के ऊपर ही हमें टैक्स लगाना है। तो 1.5 करोड़ का हमारा टर्नओवर हो रहा है, 1.5 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर 0.5% से हम CGST लगाएंगे और 5% से ही हम क्या करेंगे, SGST लगाएंगे। तो 1.5 करोड़ का 0.5% हो जाएगा 75,000 CGST, 75,000 SGST और टोटल आ जाएगा हमारा 1.5 लाख रुपये। RCM का हमारा वही रहेगा तरीका, RCM जो है वो हमारा 2 लाख का है, 2 लाख के ऊपर अपन 2.5% से CGST और 2.5% से SGST 5,000 की लगा देंगे। तो ये जो है हमारा आएगा 80,000 CGST, 80,000 SGST और टोटल 1,60,000 जो है हमारा वो मैन्युफैक्चरर की कंडीशन में GST लगाया जाएगा। अब यदि ये व्यापारी किसके अंदर है, होटल इंडस्ट्री के अंदर, यदि होटल इंडस्ट्री के अंदर है तो देखिएगा हमारा क्या है कि जो टैक्स रेट GST की है वो टैक्स रेट क्या है हमारी 5% है, जिसमें 2.5% हमारी CGST लगेगी और 2.5% ही हमारी क्या लगेगी, SGST लगेगी। टोटल हमने टर्नओवर जो निकाल रखा वो वही रहेगा हमारा 1.5 करोड़, हमारा टर्नओवर है 1.5 करोड़, टर्नओवर के ऊपर 2.5% से हम निकालेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 3,75,000 CGST, 3,75,000 हमारा SGST और टोटल आ जाएगा 7,50,000 जो है ये टैक्स आ जाएगा। RCM का वही कंडीशन रहेगी हमारी जो पहले वाली में देखी थी हमने, 2 लाख का हमारा जो है वो है सेल है, इसके अंदर टर्नओवर है, 2.5% CGST और 2.5% ही हम SGST लगा देंगे, टोटल 10,000 का आ जाएगा और टोटल GST जो है वो इस कंडीशन में लगेगी हमारी 3,80,000 की CGST, 3,80,000 की SGST और टोटल टैक्स लगेगा 7,60,000 रुपये का ये टैक्स लगेगा। तो यदि यह व्यापारी राजस्थान का है तो उस कंडीशन में 1.5 करोड़ की ये सीमा के अंतर आ रहा है, चाहे वह सामान्य व्यापारी है, चाहे वो निर्माता है, चाहे वो होटल व्यापारी है, हर दशा के अंदर जो है हम उसकी कर की गणना करेंगे। और जो प्रश्न के अंदर जो हमने पहले PDF दे रहा है
उसके अंदर मैंने सारी टैक्स रेट को स्पेसिफाई कर रखा था कि किस प्रकार से हमें टैक्स रेट लगानी है, उस आधार से हम यहाँ पर टैक्स की जो है वो गणना करेंगे। अब थर्ड कंडीशन में हमारे से पूछा है, यदि ये व्यापारी राजस्थान का न होकर उत्तराखंड का होता तो क्या अंतर आता। स्टूडेंट, यदि यह व्यापारी उत्तराखंड का होता तो ऐसी दशा के अंदर जो हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ है उसके अंदर इसके लिए कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए 75 लाख रुपए ही है। तो चूंकि यहाँ पे इसकी टर्नओवर 1.5 लाख है और इसके अंतर्गत आने के लिए 75 लाख रुपए ही होना चाहिए, अतः यह व्यापारी जो है वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा, उसमें कंपोजिशन स्कीम में अंतर्गत नहीं आएगा। अब हमने जो वर्किंग नोट है, व्यापारी की दशा में कर मुक्त पूर्ति एवं शून्य कर दर वाली पूर्ति पर कर नहीं लगेगा, परंतु आवर्त की सीमा करने हेतु इन्हें सम्मिलित करेंगे। जैसे मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि आवर्त की सीमा के समय हम पूरे टर्नओवर को ज्ञात करेंगे और जो है जब हम टैक्स की गणना करेंगे तब हम इनके ऊपर टैक्स की गणना नहीं करेंगे। और जो हमारा सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्जेस है जिस पर विपरीत कर नहीं लगता है उसके अंदर हम जो टैक्स रेट हमें दे रखे उसके आधार से टैक्स को लगाएंगे। तो GST की गणना करने के लिए हमें व्यापारी कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है या नहीं आ रहा है और उस पर फिर किस प्रकार से कर लगाया जाएगा उसके संबंध में हमें पहले टर्नओवर को निकालना है। टर्नओवर को निकाल कर देखने के बाद व्यापारी किस राज्य का है और किस प्रकार का है, सामान्य व्यापारी है, होटल व्यापारी है या मैन्युफैक्चरर है, उसके आधार से ही हम कर की गणना करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।